नमस्कार समस्त स्वागत मो ना विश्वजित साहू बर्तमान मुझे ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर भाव काम करुच्ची आ पूर्वर मुझे वाणिज्य इंस्टीट्यूट जॉइन करी मोर IBPS PO इंटरव्यू पाई एवं ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंटरव्यू बेले जो मॉक इंटरव्यू होता मुझे IBPS PO रे जॉइन करी एवं से ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक PO मध्य तापरे वाणिज्य इंस्टीट्यूट रे मॉक इंटरव्यू पाई बहुत मिनिमल फीस रे 5 मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करती तांकर फैकल्टी माने समस्ते भल प्रॉपर गाइडेंस दियंती मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती एवं केमिति इंटरव्यू रे अपीयर करबा को अछि केमिति बसिवार अछि केमिति बिहेव करिवार अछि केमिति फॉर्मल्स पिंधिवा सहित कोन कोन कॉस्ट्यूम पिंधिवार अछि केमिति फेस करबा इंटरव्यू को से सब हर डिटेल हर पूरा भलसे ही बुझांती एवं सी गोटे कैंडिडेट को पूरा प्रॉपर हर फिल करती जे केमिति इंटरव्यू पैनल ले एक्चुअली केमिति गोटे पिलाटे नर्वस न हो प्रॉपर गाइडेंस ही दियंती एवं मुझे मोर प्रिपेरेसन जणी उपर कह मु सीट रू पास आउट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मुझे पास आउट होती मो पास आउट 2019 देन पास आउट सरलापर मु गेट पे प्रिपेयर होती देन तापर एमती जस्ट रैंडम बैंकिंग शिफ्ट करली बैंकिंग एग्जाम दवा स्टार्ट करी देन 2022 मोर फास्ट IBPS PO इंटरव्यू दवा जाती 2022 किंतु जस्ट 0.5 मार्क मोर फाइनल सिलेक्शन मुझे रही जाती एवं से 2022 भी मोर ये ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर भाव मोर सिलेक्शन हो जाता तापर भी जो कोऑपरेटिव बैंक आंड नेशनलिस्ट बैंक किसी भाविली जो किसी काल फरक थी बोलते पुणी मुझे प्रिपेरेसन जारी रखी और मो काम प्रेसर सत्वे आसिकी पाठ पढ़ापढ़ी करूँ बैंक मोर फेर बेलू राति 7-8 हो जाए फिर भी आइदर लेट नाइट पढ़ा हूँ ना जल्दी सकाल उठवा हूँ मुझे मोर प्रिपेरेसन कंटिन्यू करी 2023 भी पुणी इंटरव्यू दवा जाती कलिकता किंतु 2023 मोर फाइनाल सिलेक्शन भी होना था एवं यहाँ हूँ 2024 पुणी मो प्रिपेरेसन कंटिन्यू जारी था 2024 मोर एवं फाइनाल सिलेक्शन पुणी हो जाए IBPS PO मोर एवं आलटमेंट मत हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे बर्तमान में प्रोबेशनरी ऑफिसर भाव मोर सिलेक्शन हो जणी तो बहुत डिफिकल्ट थिला आपर मध्य मोर परिश्रम को जारी रखी एवं सब भावुली एत तो परिश्रम करुच्ची सक्सेसफुल तो जमी हेली हे जेहेतु मो बाबा जड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मतलब सब मोटिवेट करती किसी ना जीवन आसचु मैंने हार जीत लगि रही फेल्युअर्स भी मिल सक्सेस भी मिल कि यही गोटे फेल्युअर्स निजक नियमाण होकर डिप्रेसन को चली जावा उचित नुह सब मो पेरेन्ट्स मतलब सब सपोर्ट करती एग्जाम होनी क्लीयर होनी ठीक अच्छे आहरी एग्जाम अच्छी गोटे एग्जाम कौन तोर जीवन सरी जाऊँ कि ना तो गोटे एग्जाम फेल होलु आउ गोटे एग्जाम दे आउ गोटे एग्जाम फेल होलु आउ गोटे एग्जाम दे तो सेमती किसी मोर घर किसी मोर रेस्ट्रिक्शन ना जे तुम्हें तू ना तोर एति डिरेक्शन भितर तेज क्लीयर कर रेस्ट्रिक्शन ना मुझे घर पढ़ू बहुत ही पढ़ू थी मुझे गोटे स्टडीयस स्टूडेंट भाव में पढ़ू थी हाँ मु प्रिपेयर तो जिते मोर कौन से चाकरी हो ना मुझ सका उठिकी प्राय सेमती तो किसी कन्स्टांट टाइम ना फिर भी मुझे 8-10 आवर्स तो जमी थी सबुदिन पढ़ू ही थी एवं चाकरी मोर होगा 2022 मोर चाकरी सेमती सका ही 10 पलाए बैंक आसला मोर 7-8 हो जाए फिर भी आइदर सका जल्दी उठवा हूँ 4-5 उठिक पढ़े ना रात लेट लेट जाए पढ़े एम प्रिपेरेसन बैंक सहित भी मोर प्रिपेरेसन कंटिन्यू जारी रही एवं फाइनाली मत नेशनलाइज्ड बैंक मिल जाइए मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बर्तन में PO हो हाँ से निश्चित भाव में जेहेतु एत परिश्रम करुच्ची एवं घरे भी समस्त देखुं यार तू एत परिश्रम करूँ फिर भी तू क्वालिफाई कर पार्न कौन सर किसी कमी रही जाइए कि मत सब मम्मी कहे भलसे पढ़ापढ़ी कर कि कौन ना कि सक्सेस हो पारूनी बोली जे घरे मत गोटे फोर्स करते ना तो जब गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर छाड़ दे कि तू अलग कौन से जा कौन से ट्यूशन कर ना सेमती किसी मो घर किसी प्रेसर करना बापा भी सब सपोर्ट करके आसु मो बाबा गवर्नमेंट अफिसर अच्छा से जानते गवर्नमेंट एग्जाम क्राक करवा के कष्ट तेणु से मत के मना करना जे ना तू गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेरेसन छाड़ दे बोली मम्मी मोर जेहेतु मुझ सब क्लोज ही मुझ मोर मम्मी तेणु मम्मी मतलब सब बेले कहे तोर हो तो जमा भी टेनसन नहीं आज है तोर का तू ये पढ़ुचु समस्ते जानते तू भल पढ़ी पढ़ी आज पर्यटन आसीचु तो एमती किसी ना तोर गवर्नमेंट एग्जाम हेनी क्लीयर हेनी एवं होनी कि फ्यूचर होेतु तू पाठपढ़ा जारी रखीचु तेणु घर समस्त विश्वास भी मोदी थी मुझे भांगी पढ़ू थी मोर जिते 2022 मोर PO सिलेक्शन होन दिन जाए बहुत ही कांदी मो कांदा देखिकी मो मम्मी भी कांदी पकड़ लगे
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଆଜି ହେଲାନି ହେଇଯିବ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ତୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆଜି ମିଳିଲାନି କାଲି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ତ ବହୁତ ହିଁ ଅଛି ମୋ ସହିତ ହଁ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ବାଣିକରେ ହିଁ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ସବୁ ବାଣିକି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ଯଦି ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଚାକିରି କରିକି ଅଛ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ତୁମେ କାହିଁକି ସୁଇଚ୍ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଯାଉଛ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେକ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାବୁଛି ମୋତେ ଏଇ ବାଣିକି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରାଇଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ବୋଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ ଜବ୍ରେ ଅଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରୁଛ ମାନେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ତୁମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛ ତୁମେ କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଏବଂ ମୋ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଆସିପାରିବ ସେ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ବାଣିକି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିନି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଛି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 85 ମାର୍କ ମିଳିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100ରୁ ତ ବାଣିକର ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ କାମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦେଇଛି ହଁ ମୋର ଯେତିକି ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ସକ୍ତତା କହିବି ବୋଧେ 40ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ 40ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ତେଣୁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଚାଲ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ତୁମର ବାହା ବାହା କରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ହାର୍ ଯେତେ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ନେଭର୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବେନି ଯେ ମୋର ହେବନି ବୋଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ତୁମ ରେସ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଉତାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।